नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ओन वेलनेस चैनल डॉक्टर श्रुतिज कॉर्नर, अ वेलनेस चैनल टू हेल्प यू स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। दोस्तों, आज आपके साथ अपने क्लिनिक की एक पेशेंट का हिस्सा ब्याह करती हूं। कल ही की बात है, कल मेरे क्लिनिक में एक तकरीबन 38 साल की महिला अपने पति के साथ आई। उनकी शादी को तकरीबन 15 साल हो चुके थे और उनके दो बच्चे थे, एक बेटी थी जिसकी उम्र 14 वर्ष थी और एक बेटा था जिसकी उम्र 12 वर्ष थी। दोनों ही बच्चे सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से हुए थे। बच्ची के जन्म के उपरांत, जो सिजेरियन ऑपरेशन से हुई थी, उसके जन्म के उपरांत चूंकि उन्होंने अपने गायक से कंसल्ट करके कोई भी रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स यानी कि बच्चा बंद करने का कोई उपाय इस्तेमाल नहीं किया, नतीजतन तकरीबन 7 महीने बाद ही वो दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। बच्ची छोटी थी और वो कपल उस समय नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने डॉक्टर से सलाह लेकर DNC के माध्यम से यानी सर्जिकल तरीके से बच्चा गिरवा लिया यानी कि अबॉर्शन करवा लिया। इसके बाद उनका एक बेटा हुआ जो अब 12 साल का है, वो भी सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से ही हुआ। बच्चे के जन्म के उपरांत उन्होंने दो बार और अबॉर्शन कराए हैं, 2.5 महीने के और 3 महीने की प्रेगनेंसी के। अब सवाल यह उठता है कि कल वो मेरे पास क्यों आई थी। कल वो मेरे पास इसलिए आई थी क्योंकि 38 साल की उम्र में जब उनके दो बच्चे हैं, एक 14 साल की बेटी है और एक 12 साल का बेटा है, उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है उनके अनुसार, इसके बावजूद वो एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इस वक्त उनको तकरीबन 2 महीने की प्रेगनेंसी थी। मैंने पूछा कि आप और बच्चे चाहते हैं। दोनों ही पति पत्नी दोनों ने ही छूटते ही कहा, जी नहीं मैडम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा अगला सवाल था, आपने अभी तक बच्चा बंद करने का ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया है जब आपके दो बच्चे सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से हो चुके हैं, आप 3 बार पहले भी अबॉर्शन करवा चुके हैं, तो अभी तक आपने बच्चा बंद करने का ऑपरेशन क्यों नहीं कराया। उनका कहना था, मैडम हमें बहुत डर लगता है। यह सवाल बेहद वाजिब था और उनका जवाब बेहद जाना पहचाना था। जी हाँ, अक्सर ही मेरे मरीज मेरे को ये जवाब देते हैं कि मैडम हमें TT ऑपरेशन करवाने में बहुत डर लगता है, लेकिन उनको सिजेरियन ऑपरेशन करवाने में, अबॉर्शन करवाने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता, नॉर्मल डिलीवरी में तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। अब जानने समझने की कोशिश करते हैं, क्या टीटी ऑपरेशन वाकई इतने खतरनाक होते हैं। एक डॉक्टर के तौर पर जो सलाह मैं अपने सारे मरीजों को देती हूँ, वही आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूंगी। चलिए शुरू करें। सबसे पहले तो आप सभी लोगों के लिए समझना बेहद ही ज्यादा जरूरी है कि बच्चा बंद करने के जो हमारे पास विकल्प होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, उसमें बच्चा बंद करने का ऑपरेशन यानी कि नसबंदी ऑपरेशन यानी कि TT ऑपरेशन, फिर चाहे वो महिला को हो या चाहे पुरुष का हो, दोनों ही ऑप्शंस बेहद ही सुरक्षित, बेहद इफेक्टिव और लगभग साइड इफेक्ट से नगण्य होते हैं। तो फिर इसमें डर क्यों लगता है, जबकि डर आपको लगना चाहिए अबॉर्शन यानी कि बच्चा गिरवाते वक्त, सिजेरियन ऑपरेशन करवाते वक्त, यहां तक कि नॉर्मल डिलीवरी के भी वक्त। लेकिन जब एक बार महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर डिलीवरी तो होना लाजमी ही है, उसको हम रोक नहीं सकते, फिर चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से हो चाहे सिजेरियन के माध्यम से हो, उस समय हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए हम वो खतरा उठाने को सहर्ष तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा आपको समझना बेहद जरूरी है कि नसबंदी ऑपरेशन कराने के बनस्पत आपका अबॉर्शन यानी कि बच्चा गिराने का विकल्प बेहद ही ज्यादा असुरक्षित होता है। इसमें कई तरह का खतरा हो सकता है। अगर आप अबॉर्शन के लिए जाते हैं तो आपके बच्चेदानी को नुकसान पहुंच सकता है, यूट्रस डैमेज हो सकता है, विशेषकर जब आपके पहले के सिजेरियन ऑपरेशन रहे हो, आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि महिला की जो प्रजनन तंत्र है उनके बाकी ऑर्गन्स को भी डैमेज पहुंच सकता है, आपका हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है जिसकी वजह से आगे आपकी साइकिल्स डिस्टर्ब हो सकती है, आगे ये भी हो सकता है कि आप कभी कंसीव भी ना कर पाए, आपको अत्यधिक ब्लीडिंग होने का खतरा हो सकता है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है और यहां तक कि आपकी जान भी जा सकती है। इसके बनिस्पित जो नसबंदी ऑपरेशन होता है वो बेहद ही सुरक्षित विकल्प होता है, बेहद इफेक्टिव होता है, और जो दूसरे बच्चा बंद करने के जो हमारे पास विकल्प ऑप्शंस होते हैं, दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स होते हैं, उनका फेलियर रेट फिर भी ज्यादा होता है, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स इस्तेमाल करने के बावजूद भी आप कभी भी प्रेग्नेंट हो सकती है। इसके बनस्पत जो टीटी ऑपरेशन यानी नसबंदी ऑपरेशन होता है, उसका फेलियर रेट बहुत ही कम होता है, सबसे ज्यादा कम होता है, यानी कि अगर आपने एक बार नसबंदी ऑपरेशन करवा लिया या तो महिला का या फिर उसके मेल पार्टनर का, तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस की संभावना लगभग ही नगण्य हो जाती है, यानी कि आप पूरी तरह से टेंशन फ्री होकर रह सकते हैं एक बार आपने नसबंदी ऑपरेशन करा लिया। नसबंदी ऑपरेशन दो तरह का हो सकता है, या तो हाथ द्वारा बंद करने वाला ऑपरेशन हो सकता है, दूरबीन द्वारा बंद करने वाला ऑपरेशन हो सकता है। एक कुशल और दक्ष सर्जन यानी कि वेल ट्रेन सर्जन के हाथों में इस ऑपरेशन को करने में बमुश्किल 2 से लेकर 5 मिनट लगते हैं और आपको अपनी जिंदगी के मात्र 2 से 4 घंटे टोटल हॉस्पिटलाइजेशन समेत निकालने पड़ेंगे एक सुरक्षित विकल्प के लिए, जिसके बाद आप पूरी तरह से टेंशन फ्री हो सकते हैं।
इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारी भारतीय सरकार ने इस ऑपरेशन को टोटली फ्री रखा हुआ। किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल में जाकर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। उल्टा इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो गवर्नमेंट होती है वो उसके लाभार्थियों को एक निश्चित राशि भी प्रदान करती है। जहां तक मेरा नॉलेज है, एक महिला को टीटी ऑपरेशन कराने के उपरांत 800 रुपए की राशि प्राप्त होती है, वहीं दूसरी तरफ पुरुष को नसबंदी ऑपरेशन कराने के उपरांत 1400 रुपए की राशि तक दी जाती है। तो हर तरीके से ये आपके लिए बेहद सुरक्षित और बेहद इफेक्टिव और बेहद फायदे का सौदा है। तो ध्यान से आज ही अपना नसबंदी ऑपरेशन करवा ले अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो। दोस्तों, इस वीडियो से संबंधित आपके जो भी सवाल है वो आप बेझिझक मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। हेल्थ, डाइट और फिटनेस से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझे ग्रुप कंसल्टेशन के लिए अपनी जगह पे इनवाइट करना चाहते हैं या हेल्थ और वेलनेस सेमिनार चाहते हैं अपने कॉर्पोरेट सेक्टर ऑफिस में, तब भी आप मुझे इस पते पर ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो ध्यान से इसको लाइक करिएगा। स्वास्थ्य जागरूकता के इस मिशन को बढ़ावा देने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से जरूर शेयर करिएगा और इस चैनल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर को ध्यान से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्दी आप सब दोस्तों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक आप मेरे इस चैनल पे हेल्थ, डाइट और फिटनेस से जुड़े और वीडियोस को देखकर भी लाभ उठा सकते हैं। तब तक लिए आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड बाय बाय फॉर नाउ। वी विल बी सीइंग यू ऑल वेरी सून।